नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 8, और पाठ संख्या 8 का शीर्षक है बाऊजी कौआ। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पाठ में। चित्र पर आधारित गतिविधि। श्री रामचरित मानस में कहा गया है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिय शुभ जानी। अर्थात माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा को अपनी भलाई का मार्ग मानकर उसका पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि ईश्वर घर घर जाकर हमारी देख रेख नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बना दिया। माता पिता और अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारा सबसे पहला धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिन माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से ही आरंभ होता था। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अर्थात श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु के चरणों में अपना शीश नवाते थे। आप प्रतिदिन अपने माता पिता का अभिवादन किस प्रकार करते हैं बताओ? करते हैं ना आप अभिवादन? और अगर नहीं करते हैं तो आज से ही आप उसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पाठ में प्रवेश करते हैं बच्चों। माता पिता को हमेशा आदर्श माना गया है और इसीलिए हमें माता पिता का सम्मान और अभिवादन करना चाहिए। वे हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और निर्मल संबंध होते हैं, जो हमें प्यार, संरक्षण और निरंतर समर्थन प्रदान करते हैं। माता पिता का आशीर्वाद हमारे लिए अनमोल है और हम उनका सम्मान करें, यह हमारी संस्कृति और मानवता के नियमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए शुरू करते हैं। एक व्यापारी था, उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। यह बेटा था बड़ा बातूनी, जो बहुत बातें करता हो, दिन भर बाप का दिमाग चाटता रहता था। वह रोजाना बाप के साथ दुकान पर जाता और कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता। व्यापारी इतने शांत स्वभाव का था कि उसके हर एक सवाल का जवाब शांति से देता। वह अपने लाडले को कभी नाराज नहीं करता, कभी उस पर खींचता नहीं था। बाप हमेशा वही करता जो उसका लाडला चाहता। एक रोज बातूनी बेटा बाप की गोद में बैठा था। दुकान के सामने नीम का एक पेड़ था, आप चित्र में देख सकते हैं। उस पर एक कौआ आकर बैठा और काँव काँव करने लगा। यह देख बेटा बोला, बाऊजी कौआ। बाप बोला, हाँ बेटा कौआ। बेटे ने फिर बाप का हाथ पकड़कर कहा, बाऊजी कौआ। बाप ने फिर जवाब दिया, हाँ बेटा कौआ। बेटे ने तीसरी बार कहा, लेकिन बाऊजी कौआ। बाप बड़े धैर्य के साथ बोला, हाँ बेटा कौआ। जवाब देकर व्यापारी ने थोड़ी देर के लिए दुकान के काम में मन लगाया ही था कि बेटे ने बाप का कंधा झकझोरते हुए कहा, बाऊजी देखो देखो कौआ। व्यापारी ने अपने काम से ध्यान हटाकर बड़ी शांति के साथ कहा, हाँ बेटा कौआ। बेटा स्वभाव से दिमाग चाटू था, इसीलिए उसे संतोष नहीं हुआ। व्यापारी फिर से अपनी पोथी में हिसाब लिखने लगा ही था कि बेटे ने उसकी पगड़ी खींचते हुए कहा, बाऊजी कौआ। बिना आपा खोए व्यापारी ने शांति से कहा, हाँ बेटा कौआ। बेटा जिद पर चढ़ा और फिर से बोला, देखिए तो सही बाऊजी कौआ। व्यापारी ने बही लिखते लिखते बेटे की ओर देखकर कहा, हाँ बेटा वह कौआ ही है। कुछ देर तक लड़का कौए को देखता रहा, फिर एक बारगी सनक सवार हुई।
जोर से बाप का कंधा झकझोर कर बोला, बाऊजी कौआ। व्यापारी ने बिना क्रोधित होते हुए कहा, हाँ बेटा कौआ। इस तरह बेटा बार बार बाऊजी कौआ कहता रहा और बाप हाँ बेटा कौआ बोलता गया। आखिर बेटा थक गया, उसने चुप्पी साध ली, अब वो चुप हो गया। व्यापारी सयाना था। बेटे ने जब भी बाऊजी कौआ कहा, उसने अपनी बही में जवाब के साथ लिख लिया। जब बेटा थक कर रुक गया तो उसने जोड़ लगा कर देखा, बाऊजी कौआ हाँ बेटा कौआ 100 बार लिखा जा चुका था। मतलब कितनी बार पूछा था बेटे ने बाऊजी कौआ 100 बार। यह सोचकर कि यह बही काम आएगी, चतुर व्यापारी ने इसे संभाल कर एक पिटारे में रख दिया। इस बात को कई साल गुजर गए। व्यापारी बूढ़ा हो चुका था और उसका वह बकबक करने वाला बेटा 30 साल का जवान बन गया था। उसका कारोबार 7 समुंदर पार भी फैल रहा था। अब लोग उसे दिमागी चाटू नहीं, सेठ दिमागी लाल कहकर आदर से पुकारते थे। फिर भी व्यापारी बड़ा दुखी था। कारण, उसकी सेवा टहल करना तो दूर ठहरा, सेठ दिमागी लाल अपने माँ बाप पर कहर ढाता था। जब व्यापारी का दिल भर आया तो उसने सोचा, वह अपने बेटे को याद दिलाए कि उसने कितने लाड प्यार से उसको पाला पोसा है, आज वो हमें पूछ भी नहीं रहा। तो व्यापारी ने सोचा कि वो अपने बेटे को याद दिलाए कि उसने उसे कैसे पाला पोसा है। एक रोज़ व्यापारी अपनी लकड़ी के सहारे डग भरता हुआ, मतलब कदम भरता हुआ, दुकान पर पहुंचा और फर्श पर बिछी गद्दी पर पालथी लगाकर बैठ गया। उसे आया देख बेटा दिमागी लाल मन ही मन बड़बड़ाया, यह बूढ़ा आज यहाँ कैसे टपक पड़ा, अब दिन भर फिजूल की बातें करेगा और मेरा सिर खाएगा, हे भगवान इस बला से मेरी रक्षा करना। तभी एक कौआ उड़ता हुआ आया और खिड़की पर बैठ गया। अब व्यापारी ने कहा, बेटा कौआ। दिमागी लाल बूढ़े बाप के शब्दों से चौंक गया, फिर कहा, हाँ बाऊजी कौआ। व्यापारी फिर बोला, बेटा कौआ। दिमागी लाल ने अब तुनक कर जवाब दिया, हाँ बाऊजी कौआ। व्यापारी ने देखा कि बेटे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह तो बेटे को सबक सिखाने के लिए ही आया था, इसलिए उसने फिर कहा, बेटा कौआ। इस बार बेटा झुलस गया और तिलमिला कर बोला, हाँ बाऊजी कौआ, सारा गांव जानता है कि वह कौआ है, आप बार बार दोहरा कर मेरा दिमाग क्यों चाटे जा रहे हैं, मुझे अपना काम करने दीजिए। दिमागी लाल कुड़ते हुए अपनी पीठ फेर कर काम में जुट गया। व्यापारी भी कुछ कम नहीं था, उसने बेटे का हाथ थामा और कौए की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा कौआ। अब दिमागी लाल आपे से बाहर हो गया। उसने सोचा, यह बूढ़ा सठिया गया है, इसके पास ना कोई काम है ना काज, इसीलिए बकवास किए जा रहा है। इस बार व्यापारी की ओर देखकर वह चिल्लाया, आप घर जाइए बाऊजी, यहाँ आपका क्या काम है, क्यों काम के वक्त मेरी खोपड़ी खा रहे हैं। उत्तर में मुस्कुराकर यही कहा, बेटा कौआ। कौआ कौआ कौआ, और कितनी बार आप यह जाप जपेंगे, इस कुएं में ऐसी क्या बात है जो आप अपना चरखा चलाए जा रहे हैं। व्यापारी फिर बोला कि बेटा कौआ। दिमागी लाल ने मुनीम को हुक्म दिया, कौए को खिड़की पर से उड़ा दो। कौआ उड़ गया, फिर भी दिमागी लाल बड़बड़ाता रहा। 60 के होने पर बूढ़े लोग सचमुच सठिया जाते हैं, इस बूढ़े की अकल तो बिल्कुल मारी गई है, अब तो यह सिधार जाए तो छुटकारा हो। व्यापारी ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चपरासी को बुलाकर वह पुरानी बही निकलवाई और बेटे के हाथ में वह पन्ना रखा जिसमें बाऊजी कौआ हाँ बेटा कौआ 100 बार लिखा था। पास बैठे मुनीम ने बेटे दिमागी लाल को उसके बचपन की सारी बातें ब्यौरेवार कह सुनाई। ब्यौरेवार मतलब जैसी हुई थी वैसे ही। दिमागी लाल तुरंत समझ गया,
उसने बाप से क्षमा मांगी और उस दिन से वह तन मन से अपने माता पिता की सेवा करने लगा। लेखक हैं गीजू भाई बधे का। तो देखा, जब बच्चे माँ बाप से कोई प्रश्न पूछते हैं तो माँ बाप उन्हें कितने धैर्य के साथ उत्तर देते हैं, लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान हो जाते हैं तब वो बच्चे कितने ज़्यादा झुंझला जाते हैं माँ बाप के कुछ भी पूछने पर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यही हम इस पाठ में सीखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें दिए हुए हैं कठिन शब्द जो आप लिखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका में। व्यापारी, बातूनी, स्वभाव, खींचना, धैर्य, झकझोरना, संतोष, बही, एक मार्गी, सनक, चुप्पी, सयाना, कारोबार, पालथी, फिजूल, तुनक्कर, सठिया, हुक्म, पन्ना, ब्योरेवार। चलिए अब हमारे पास हैं शब्दार्थ, ये आपको याद भी करने हैं और अपनी पाठ्य पुस्तिका में इन्हें आपने लिखना भी है। बातूनी, बातूनी का अर्थ है बच्चों अधिक बातें करने वाला। पालथी, आराम से बैठने का एक आसन। धैर्य, धीरज। फिजूल, बेकार। झकझोरना, जोर से हिलाना। बही, खाता जिसमें लेन देन की बात हो। तुनक्कर, गुस्सा होकर, कुड़ते हुए, चिढ़ते हुए। चुप्पी साधना का अर्थ है मौन हो जाना। सठिया जाना, बुद्धि नष्ट हो जाना। सयाना, बुद्धिमान या फिर चालाक। पिटारा, बक्सा। कहर ढाना, बहुत परेशान करना। डग भरना, कदम बढ़ाना। बड़बड़ाता, धीरे धीरे और अस्पष्ट बोलना। सिधार जाना, मर जाना। ब्योरेवार, विधिवत, एक एक करके। तो चलिए आगे चलें। बताओ क्या पढ़ा? व्यापारी ने अपने बेटे द्वारा पूछी गई बात लिखकर क्यों रखी होगी? व्यापारी ने अपने बेटे द्वारा पूछी गई बात लिखकर इसीलिए रखी होगी ताकि वह भविष्य में अपने बेटे को दिखा सके कि उसने उसे कितने लाड प्यार से पाला है। व्यापारी को अपने बेटे दिमागी लाल को पुरानी बही दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दिमागी लाल अपने माँ बाप से बहुत ही बुरा बर्ताव करता था, इसीलिए उसे पुरानी बही दिखाने की ज़रूरत पड़ी। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। जब व्यापारी युवा था तब कौआ कहाँ आकर बैठा था? नीम के पेड़ पर। जब व्यापारी बूढ़ा हुआ तब कौआ आकर कहाँ बैठा? खिड़की पर। आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह हमें लगाना है। बचपन में दिमागी लाल कैसा था? बातूनी। दिमागी लाल बचपन में अपने पिता से क्या पूछता रहता था? सवाल। दिमागी लाल के पिता का स्वभाव कैसा था? शांत। तभी वो उसके सारे सवालों का जवाब आराम से देते थे। दिमागी लाल को उसके बचपन की बातें किसने बताई? मुनीम ने। दिमागी लाल ने बचपन में अपने पिता से कौए के बारे में कितनी बार पूछा? 100 बार। चलिए आगे चलें। दिए गए वाक्य किसके बारे में है? पुत्र या पिता? लिखो। बहुत सवाल पूछता था। कौन पूछता था? पुत्र। तो यहां पर हम लिख देंगे पुत्र। हर एक सवाल का जवाब शांति से देता। कौन देता था? पिता। वह अपने लाडले को कभी नाराज नहीं करता। पिता। प्रश्नोत्तर बही में लिख लिया। किसने लिखा? पिता ने। प्रश्न पूछने पर क्रोधित कौन हुआ था? पुत्र। व्यापारी लकड़ी के सहारे डग भरता हुआ दुकान पर पहुंचा। कौन पहुंचा था? पिता। फर्श पर बिछी गद्दी पर
पालथी लगाकर बैठ गया। कौन बैठा था? पिता, क्योंकि व्यापारी बैठा था। पुरानी वही किसने निकलवाई? व्यापारी ने। तो हम यहाँ लिखेंगे पिता। मन से माता पिता का आदर करने लगा पुत्र। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जब दिमागी लाल बचपन में प्रश्न पूछता तो उसके पिता की क्या प्रतिक्रिया होती थी? क्या प्रतिक्रिया होती थी? शांति से वो उसके सारे सवालों के जवाब देते थे। बूढ़े व्यापारी के प्रश्न पूछने पर बेटे की क्या प्रतिक्रिया हुई? बूढ़े व्यापारी के प्रश्न पूछने पर बेटे को क्रोध आ गया और वह झुंझला गया। व्यापारी ने बेटे को किस प्रकार सीख सिखाई? व्यापारी ने बेटे को उसी तरह से प्रश्न पूछकर और उसके झुंझला जाने पर उसे पुरानी बही दिखाकर ये बताया कि देखो मैंने तुम्हें कितने लाड और प्यार से पालकर बड़ा किया है। इस प्रकार व्यापारी ने बेटे को सीख सिखाई। व्यापारी की आंखों में आंसू क्यों आ गए जब उसके पुत्र ने यह कहा कि ये सिधार जाएं तो चैन पड़े? यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाऊजी कौआ कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपने माता पिता का सदा सम्मान करना चाहिए। वे उनसे कभी भी किसी भी बात पर बहस या उनसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब दिमागी लाल ने अपने पिता से माफ़ी मांगी तब उसकी उम्र क्या थी? 30 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पाठ कैसा लगा जल्दी बताएं। बहुत मज़ा आया ना? चलिए अब आपने इनके कठिन शब्द और शब्द अर्थ याद करने हैं अच्छे से, और बाकी के भी सारे अभ्यास कार्य अपने पुस्तक और पाठ्य पुस्तिका में करने हैं। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।